तिहाड़ जेल के करीब 20 कैदी जेल की सलाखों से आजाद हैं। तिहाड़ जेल की करीब 13,000 कैदियों की भीड़ से इनको अलग रखा गया है। इनके लिए अलग घर है, इनकी सुख सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। आखिर इन 20 कैदियों की इतनी मेहमान नवाजी क्यों हो रही है? दरअसल तिहाड़ जेल में सेमी ओपन जेल की शुरुआत हुई है। आखिर क्या है ये सेमी ओपन जेल, आइए जानते हैं। जेल में रहकर आजाद जिंदगी जी रहे लोगों का सच जानने हम पहुंचे तिहाड़ की इस सेमी ओपन जेल में। सर कैसे हैं आप? ठीक। आप कैसे हैं? नमस्कार। आप कैसे हैं? नमस्कार। अच्छा, यही है सेमी ओपन जेल? हाँ जी। अच्छा, यहीं पे आप लोग रहते हैं? जी सर। आपका क्या नाम है? निर्मल सिंह। एक खास तरह की यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड पहने ये सारे लोग तिहाड़ के कैदी हैं। अच्छा अच्छा। इनमें से ज्यादातर कत्ल के सजायाफ्ता मुजरिम हैं, जिन्हें जेल की सलाखों से बाहर इस अपार्टमेंट में रखा गया है और नाम दिया गया है सेमी ओपन जेल। कुलदीप जी, यहाँ से इस जेल में आप कब से बंद हैं? सर सवा 12 साल हो गए। 12 साल हो गए? सवा 12 साल। सवा 12। अच्छा, किस केस में बंद हैं आप? सर 302। 302 में मर्डर में बंद हैं आप? हाँ जी। तो अभी आप अंदर जेल में थे जी? हाँ। उसके बाद आप इस जेल में आए हो सेमी ओपन जेल में? जी सर। कितना फर्क आपको लग रहा है? मैं सर जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ पे चारों तरफ जो थोड़ा बंधन सा था, यहाँ पे चारों तरफ आजादी है। ऐसा लगता है कि हम जेल में नहीं है, किसी हम हॉस्टल में आ गए हैं। तो अंदर आपको चुना गया इसके लिए, सेमी ओपन जेल के लिए? किस आधार पर चुना गया आपको? जो हमारा जो 12.5 साल में जो हमारा गुड कंडक्ट का पीरियड था, जो हमारा अच्छा बिहेवियर था। अच्छा, और ये बताइए कि आप किस केस में बंद हैं? तिहाड़ की क्षमता करीब 6,500 कैदियों की है, जबकि यहाँ करीब 13,000 कैदी रहते हैं। इनमें जेब कतरों से लेकर आतंकवादी तक शामिल हैं। ऐसे में सेमी ओपन जेल के लिए अच्छे चाल चलन वाले 20 कैदी ढूंढना इतना आसान नहीं था। ये जो परिवार आपने बनाया है, मिलजुल के रहना, यहाँ मिलजुल के सही रहोगे तो परिवार में जाके रहने में आसानी होगी। इसका जवाब तिहाड़ की डीजी विमला मेहरा से ही जानते हैं। मैम, जो आपने ये सेमी ओपन जेल का जो कॉन्सेप्ट है, इसका क्या मकसद है बेसिकली? एक तो हमारे जो कैदी भाई हैं जेल में काफ़ी दिनों से रह रहे हैं जी, जी। अच्छा कंडक्ट रहा है जी, तो उनको एक मौका दिया जा रहा है उनकी रिलीज से पहले जी, जी। कि वो एक खुले माहौल में जी, जेल से निकलकर जी, जी। एक अच्छी खुली हवा में सांस लें जी। अभी हमने देखा कि जो केवल 20 कैदी हैं, तो क्या और भी कैदियों को इस तरह की जेल में लाने का प्लान है आप लोगों का? बिल्कुल, ये तो शुरुआत है। मैम, हर चीज़ में ये होता है कि लेडीज़ फर्स्ट, आप भी एक लेडीज़ हैं, लेकिन यहाँ कोई लेडीज़ नहीं दिख रही है, क्या उनके लिए भी कोई, आप जो महिला कैदी है उनके लिए भी आप इस तरह की जेल का? बिल्कुल बिल्कुल, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है अभी, कोई एक तो आने के लिए तैयार नहीं है जी जी, शायद उनके मन में भी आशंका है, और अभी एलिजिबिलिटी को देखते हुए हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। ये जगह आम जेलों से बिल्कुल अलग है। कोठरी में सलाखें नहीं है, लेकिन ये कैंपस के भीतर ही है। कैदियों को सरकारी क्वार्टर्स वाले बेहतर माहौल में रखा गया है। खुले में आ गए, यहाँ बेड मिले हुए हैं, बालकनी से हम देख के आगे नज़ारा देख सकते हैं बाहर का, गाड़ी आती हैं जाती हैं, थोड़ा माइंड को रिलैक्स मिलता है, एक अपने घर जैसा माहौल, घर जैसा माहौल होता है, जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं। अच्छा, इस तरीके से। और हम लोगों को एक घुटन जो थी हमारे जेल के अंदर, अब वो घुटन नहीं है हमारे। चलो जी, चलो यहाँ मनोरंजन का भी पूरा इंतजाम है। फ्लैट के एक कमरे में 2-3 कैदी रहते हैं। इस कमरे में हर एक कैदी के लिए जरूरत का सारा सामान है। गर्मी से बचाने के लिए कूलर रखा हुआ है, वहाँ पर टीवी रखा हुआ है सामने, आप देख रहे हैं कि टीवी, जो कैदी भाई हैं वो टीवी देखते हैं। इसके अलावा FM गाने सुनने के लिए यहाँ पर रेडियो लगा हुआ है, और ऊपर आप देखें तो पंखा लगा हुआ है। ये तमाम सुविधाएँ इन कैदियों को दी गई हैं। अब हम बात करते हैं ये कैदी से, क्या नाम है सर आपका? निर्मल सिंह। निर्मल सिंह जी, आप किस केस से बंद हैं? मैं मर्डर केस में। अच्छा, तो ये बताइए कि टाइम पास कैसे करते हैं यहाँ पर? तमाम चीज़ें तो हमने देख ली, इसके अलावा और क्या करते हैं आप लोग? कैरम बोर्ड वगैरह, खेल वगैरह सारे। अच्छा, और चेस वगैरह खेल लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर मैं गाने भी गा लेता हूँ, गाना गा के टाइम पास कर लेता हूँ। अच्छा, कोई गाना हो जाए हमारे लिए? रब को याद करूं एक पर याद करूं, रब को याद करूं एक पर याद करूं, बिछड़ा यार मिला दे ओए रब्बा, मेरा दिलदार मिला दे ओए रब्बा, जब से हुई ये
आई जब से हुई। कैदियों की एक टोली यहाँ मौज मजे कर रही है तो दूसरी टोली किचन में खाना पकाने में लगी है। खाने के मेन्यू में दाल सब्जी रोटी चावल और सलाद सब कुछ है और हर रोज ये मेन्यू बदलता रहता है। महंगाई के इस दौर में गरीब को भले सादी दाल रोटी न मिले लेकिन यहाँ वैरायटी की कमी नहीं दिखती। कुछ ही देर में खाना तैयार हो गया, अब जरा जेल की रोटी का स्वाद भी ले लिया जाए। ये जेल का डाइनिंग हॉल है, यहाँ कैदियों के लिए टीवी तो है ही, दिमाग को कूल रखने के लिए कूलर भी है, पीने के साफ पानी के लिए आरओ, वाटर कूलर, फ्रीजर और यहाँ तक कि गीजर भी लगे हैं। सब घर में ठीक है। और अगर किसी कैदी को घर वालों की याद सताती है तो उनसे 10 मिनट तक वो बात भी कर सकता है, लेकिन बातचीत जेल अधिकारियों की निगरानी में होती है। वहाँ पे जाल लगे हुए थे, एक अच्छा, उस तरफ एक इस तरफ, इतने दूर से हम बात करते थे, आधी बात सुनाई देती थी, आधी नहीं सुनाई देती थी घर वालों की, और परेशान होते थे, भीड़ होती थी बहुत। यहाँ ये है कि अब आराम से आएंगे, मिलेंगे, बैठेंगे जी, और जो भी बातें हैं वो अच्छी तरीके से हो जाएंगी घर वालों से। जब किसी जेल में जिंदगी इतनी आराम की हो तो कैदियों में कड़ा कंपटीशन होना लाजमी है। क्या नाम है आपका? उत्तम कुमार सनफ श्री हजारीलाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली बेस्ड हैं सर। अच्छा, तो जेल में कौन से केस में बंद हैं आप? सर मर्डर केस। क्या पढ़ाई की आपने? मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ सर। कहाँ से किया था? दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो फिर ये कैसे मर्डर हो गया आपसे? सर इट वॉज ए मोमेंट्री एंड इम्पल्सिव एक्ट ओनली। अच्छा, इन ए फिट ऑफ रेज आई किल्ड वेरी ओन वेरी समवन वेरी ओन टू मी। तो अंदर जेल के अंदर तो मारा मारी हुई कि भाई हमको भी जाना है सेमी ओपन जेल में। डेफिनेटली ए नंबर ऑफ पर्संस आर इन क्यू, दे वांट टू गेट एडमिटेड ओवर हियर। चाहते हैं कि हमको भी टीप, हम भी यहाँ आराम से रहें, अशो आराम exactly, से रहें। सर। अच्छा, तो आप अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि आपका चुनाव इसके लिए हुआ? अनडाउटेडली, बट आई थिंक इट वॉज माई गुड कंडक्ट विच ब्रॉट मी दिस ऑनर। ये कैदी जेल के भीतर कहीं भी दिन रात किसी भी वक्त घूम सकते हैं, लेकिन भागने की कोशिश की तो फिर से सलाखों वाली जेल में जाना होगा। समय समय पर अधिकारी यहाँ का मुआयना भी करते रहते हैं। कहीं ये भी लगता है कि ऐसा ना हो कि ये इतना, इनको इतना खुला माहौल दे दिया ये बाहर निकल जाए? ऐसा नहीं लगता, इसीलिए हमने तो मिनिमम सिक्योरिटी दी है। सिर्फ एक वार्डर जो है एज ए अटेंडेंट रहता है जी, जी। ना कि वो सिक्योरिटी के लिए जी, जी। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ये ड्यूटी करते हैं, जिसमें कई तरह के काम शामिल होते हैं, जैसे बागवानी भी और दफ्तर के काम भी। बदले में रोजाना मजदूरी मिलती है। कुल मिलाकर कैदियों की ठहरी हुई जिंदगी में ये बदलाव की बयार की तरह है। मैं जटिया मुल्ला पगला दीवाना, मैं जटिया मुल्ला पगला दीवाना, हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मनु प्यार कर दी है, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਿਹਾੜ ਕੀ ਸੇਮੀ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀ ਜਾਏ ਕਿ ਕੈਦੀ ਯਹਾਂ ਸੇ ਨਿਕਲਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਕੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸੇ ਜੁੜ ਪਾਏਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਵੇ ਇਸੇ ਕੇਵਲ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, NDTV।